السلام عليكم. أبعز अस्सलाम वालेकुम. आज हम कार्डिक फेलियर करेंगे. आई एम डॉक्टर नुसरत कुरैशी. सो कार्डिक फेलियर जो है, क्या फेलिंग हार्ट जो है उसको हम, जब हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता या बिल्कुल काम नहीं करता है, तो उसको हम कार्डिक फेलियर कहते हैं. कार्डिक फेलियर के बहुत सारे कॉजेज हैं जो, और हर कॉज जो है वो कार्डियक डिजीज, हर कॉज ऑफ कार्डियक डिजीज जो है अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर में रिजल्ट करती है. दिस इज बिकॉज ये ऑफ डिक्रीज कॉर्नरी ब्लड फ्लो. कॉर्नरी ब्लड फ्लो इसलिए होता है कि कॉर्नरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी. जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो ब्लड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा. इसके दूसरा कॉज जो है वो डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स हैं. जब डैमेज हार्ट वेल्व्स होंगे, चाहे मिट्रल इनकॉम्पिटेंस है, मिट्रल स्टीनोसिस वगैरह है, सब ये लेफ्ट हार्ट फेलियर कॉज करेंगे और इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन कार्डियक हार्ट फेलियर. एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड द हार्ट किसी वजह से, जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, तो उससे जो कार्डियक हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हार्ट जो है पूरी तरह कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड नहीं कर पाता, सो अल्टीमेटली इट इज़ रिजल्ट इन हार्ट फेलियर. वाइटमिन बी डेफिशिएंसी भी हार्ट फेलियर कॉज करती है. प्राइमरी कार्डिक मसल की डिजीजेस, सर्टेन डिजीजेस वो भी कॉज करेंगी कार्डिक फेलियर. एनी अदर कंडीशन विच इज जो कार्डियक फंक्शन को हाइपरफिशेंट, कम उसकी इफेक्टिविटी कर इफेक्ट करता है, उसका फंक्शन पूरी तरह नहीं होता, तो ऑल दिस causes result in cardiac failure. Circulatory dynamics in cardiac failure, acute effects of moderate cardiac failure. अब क्या होता है, जब suddenly heart failure, sudden severe heart damage होता है, जैसे कि myocardial infarction में होता है, heart की pumping ability is immediately depressed, immediately कम हो जाती है. Decreased cardiac output और इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, और ब्लड जो है वेंस में इकट्ठा हो जाता है, और जब वेंस में ज़्यादा ब्लड हो जाता है इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है. एंड ये हम इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं. यहाँ पे हम, आप अगर देखें तो रेड कर्व जो है दैट इज़ ऑफ नॉर्मल हार्ट, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी. सो ए पॉइंट शोज़ अस के कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 लीटर्स पर मिनट है, और इसकी जो राइट एट्रियल प्रेशर है दैट इज़ 0. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के फौरन बाद बी ग्राफ आ जाता है. बी ग्राफ में क्या होता है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, सो लेस ब्लड गोइंग टू इज बीइंग, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. इससे जो हमारी आर्टीरियल प्रेशर है वो डिक्री माइनस प्लस साइड पे आना शुरू हो जाता है. माइनस और जो कार्डियक सॉरी जो हम है आर्टीरियल राइट एट्रियल प्रेशर इट गोज अप, राइजेस अप टू प्लस 4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, वाइल कार्डियक आउटपुट फॉल्स टू अबाउट 2 लीटर्स पर मिनट. गोइंग ऑन, so stages after acute myocardial infarction, the top curve 0.8 is normal cardiac output,
curve under resting condition, ये सब जो हम सारे ग्राफ दिखाते हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सब resting condition में है. तो normal cardiac output resting condition में is 5 liters per minute और arterial right atrial pressure is 0 millimeters of mercury. Lowest curve जो है point B, ये immediately after myocardial infarction होगा. Cardiac output जो है वो greatly depressed हो जाएगा और cardiac output कम हो के 2 liters per minute हो जाएगा, जो कि 2/5 ऑफ द 5 में से ओनली 5 liters में से ओनली 2 liters आर लेफ्ट. एंड राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीजेस टू 4 millimeters ऑफ मर्करी. और ये राइट एट्रियल प्रेशर क्यों 4 millimeters होता है, क्योंकि वीनस रिटर्न जो है, वीनस ब्लड जो है वो हार्ट को, हार्ट में वापस आके उसमें राइट एट्रियम में डैम इकट्ठा हो जाता है. दिस स्लो कार्डियक आउटपुट इज इनफ, ये इतना तो है कि सस्टेन फॉर लाइफ जो है चंद घंटों के लिए इंसान को जिंदा रख सकती है. और इस लेवल पे बहुत और सिम्टम्स नहीं ज़्यादा होते, सिर्फ फेंटिंग, शॉर्ट स्पेल ऑफ फेंटिंग होगा. This acute stage lasts for only two few seconds. ये जो acute stage है जहाँ पे cardiac output falls to 2 liters per minute and arterial right atrial pressure rises to 4+4 millimeters of mercury. ये few seconds के लिए होता है. इसी के दौरान फिर sympathetic nervous reflexes जो हैं वो activate हो जाती हैं. अब उनका within few seconds और उनका वो कॉम्पनसेट करती हैं इस डैमेज को, हार्ट डैमेज को बहुत हद तक. कॉम्पनसेशन ऑफ अक्यूट कार्डिक फेलियर बाय सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं? व्हेन कार्डिक आउटपुट फॉल्स डेंजरसली, मैनी सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस आर एक्टिवेटेड. बहुत सारी सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं जब कार्डिक फेलियर होता है. और उस पर जो होती हैं, एक बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है, ये सब आपने पहले पढ़ा होगा. बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है. रिफ्लेक्सेस जो ओरिजिनेट डैमेज्ड हार्ट मसल से जो ओरिजिनेट करते हैं, जो वहाँ से उठते हैं. दीज रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये सब रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करने में करते हैं और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की और विदिन फ्यू सेकेंड्स होती है. जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होती है तो साइमल्टेनियसली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो हार्ट को जा रहा है, वो इनहिबिट हो जाता है. सो उसका ऑपोजिट अफेक्ट ना हो. स्ट्रॉन्ग सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो कि डिफ्यूजली डैमेज्ड और लेकिन फंक्शनल होता है वेंट्रिकुलम मसल्स, उनको स्ट्रेंथ करता है, उनको उनमें स्ट्रेंथ पैदा करता है. दिस डैमेज्ड स्ट्रेंथन दिस डैमेज्ड मस्कुलेचर और ये उस पार्ट को करता है जो डैमेज नहीं हुआ है. और ये जो स्ट्रेंथ है ये पार्शली कॉम्पनसेट करती है जो नॉन फंक्शनिंग मसल की एक्टिव, जो नॉन फंक्शनल मसल है उसकी कमी को ये पूरा करती है. एंड हार्ट बिकम्स स्ट्रॉन्गर पंप और हार्ट जो है बिकॉज ऑफ सिंपथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रॉन्गली, मोस्ट स्ट्रॉन्गली. देयर आर टू फोल्ड एलिवेशन ऑफ वेरी लो कार्डिक आउटपुट कर्व after sympathetic compensation. एक तो sympathetic stimulation जो है वो in vascular tone increase करेगी. जब vascular tone increase होगा तो venous return जो है और ख़ास तौर पर जो veins की vascular tones है वो increase करती है. So venous return जो है वो increase होगा. जब venous return increase होगा तो it is going to rise mean systemic filling pressure 12
अपने नॉर्मल लेवल से पहुंच जाते 12-14 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. नॉर्मली मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज 7 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और ये इट ऑलमोस्ट इंक्रीजेस बाय 100%. ये जो है इंक्रीज सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर जो है, इट इज गोइंग टू राइज, ग्रेटली इंक्रीज ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट. देयरफॉर डैमेज्ड हार्ट इज becomes more primed with this increased bore associated with this increased blood flow. Right atrial pressure जो है इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज जो है ये हेल्प करती है हार्ट पंप को ज़्यादा ब्लड पंप आउट करने के लिए, जो कि हम देख सकते हैं कर्व सी में जो मैंने अभी आपको दिखाया था. मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ. सो हियर वी कैन सी बी में जो है हमारा कार्डियक आउटपुट जो है फॉल्स टू 2 liters पर मिनट, एंड आर्टीरियल राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस टू 4 millimeters ऑफ मर्करी. सी में हमारा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, सी में हमारा जो है कार्डिक आउटपुट राइजेस टू 4.2 liters पर मिनट, और राइट एट्रियल प्रेशर जो है इट आल्सो राइजेस टू अबाउट 5 millimeters ऑफ मर्करी. So these reflexes also help activating sympathetic nervous system, strongly stimulating them within few seconds while parasympathetics to the heart is inhibited. We have already done that. There is twofold elevation of very low cardiac output curve after sympathetic stimulation. One is sympathetic stimulation increases vascular tone, which increases venous return, especially vascular tone. Veins ki vascular tone increase hoti hai, results in raising the mean systemic filling pressure to 12-14 millimeters of mercury. Normally it is 7 millimeters of mercury. And that rise is almost 100% above the normal. So there is increased flow back to the heart. Therefore, damaged heart becomes more primed with the increased blood flow. Right atrial pressure increases. Jaise ki maine bataya, right atrial pressure increases to about 5 millimeters of mercury. And this helps more blood to the left left heart. And this we can see cardiac output resulting in more cardiac output. ये मैंने आपको अभी कर्व सी में दिखाया. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कार्डिक आउटपुट राइजेस टू 4.2 liters पर मिनट, राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस टू +5 millimeters ऑफ मर्करी. और क्या होता है कि सिंपथेटिक रिफ्लेक्सेस डेवलप जो है विद इन 30 seconds ये डेवलप हो जाते हैं. सो पेशेंट विद सडन मॉडरेट अटैक माइट ओनली फील कार्डियक पेन, और जब उसको माइल्ड अटैक होता है वो सिर्फ कार्डियक माइल्ड कार्डियक पेन फील करेगा, और फ्यू सेकंड्स के लिए उसको फेंटिंग होगी. नाउ दिस रिजल्ट्स द कॉम्पेंसेशन ऑफ सिंपथेटिक रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन के जो सारे इफेक्ट्स हैं, दीज आर इन सीन इन क्वाइट रेस्टिंग स्टेट. क्योंकि जब पर्सन एक्टिविटी करेगा तो दिस इज गोइंग टू चेंज. नाउ क्रॉनिक स्टेज ऑफ फेलियर है, अक्यूट के बाद क्रॉनिक स्टेज आ जाती है, उसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है और कॉम्पेंसेटेड कार्डियक फेलियर होगा. फ्यू मिनट्स आफ्टर अक्यूट हार्ट अटैक
देयर इज प्रोलॉन्ग्ड लंबा अर्सा होता है सेमी क्रॉनिक स्टेट का, एंड दिस इज बिकॉज फ्लूइड की रिटेंशन होती है बाय द किडनीज और साइमल्टेनियसली वेरिंग डिग्री ऑफ रिकवरी होती है हार्ट की ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स टू मंथ्स. स्लो रिकवरी होती है, वीक्स और मंथ्स लग जाते हैं इन दिस केस. रीनल रिटेंशन ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम अकर्स फॉर डेज टू आवर्स. रीनल रिटेंशन फ्लूइड की और जो है ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम के अकर होने में घंटों से दिन, कई घंटों से कई दिन तक ये मैकेनिज्म चलता रहता है. यूरिन आउटपुट रिमेन्स बिलो नॉर्मल रिटेंशन क्योंकि एज लॉन्ग एज कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर रिमेन सिग्निफिकेंटली लेस देन नॉर्मल. यूरिन आउटपुट कम होगा क्योंकि जब तक कार्डियक आउटपुट कम होगा और आर्टीरियल प्रेशर कम होगा क्योंकि नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो है कार्डियक आउटपुट ब्लड फ्लो इज नॉट किडनी इज नॉट रिसीविंग नॉर्मल अमाउंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई. समटाइम्स कॉजिंग कभी जब हार्ट कार्डियक आउटपुट जो है वो 50-60% ऑफ द नॉर्मल नीचे चला जाता है, दैट इज अबाउट 40-50% ऑफ द कार्डियक आउटपुट. जब इतना कार्डियक आउटपुट होगा तो इट इज गोइंग टू कॉज एन्यूरिया. एन्यूरिया का मतलब होता है कि नो यूरिन एट ऑल. सो दैट्स अनदर कॉन्सिक्वेंस. थर्डली यूरिन आउटपुट यूजली डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर एक्यूट हार्ट अटैक टिल द कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर comes back to almost normal levels. Moderate fluid retention in cardiac failure can be beneficial. Most of the time, the cardiologist thinks that fluid retention is harmful in cardiac failure. जो fluid retention, बहुत सारे ज़्यादातर cardiologists ये कहते हैं कि fluid retention जो है वो cardiac failure में harmful होता है, लेकिन moderate amount of this fluid, body fluid and blood volume, this helps to compensate the diminished pumping ability, जो heart की ability pump करने की जो कम हो जाती है, ये moderate increase जो है body fluid में is helpful. और ये moderate amount जो है body fluid जो जमा होता है, it is because of increasing venous return. And this is increased because of number one, increases the mean systemic filling pressure, which in turn increases the pressure gradient for causing the flow of the blood towards the heart. Blood mein pressure gradient kam hai, right atrial pressure the ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है. सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. डिस्टेंडेड वेन्स जो हैं रिड्यूसेस, वेन्स डिस्टेंड हो जाती हैं और दिस रिड्यूसेस द वीनस रेजिस्टेंस. वीनस वॉल वेन्स का वीनस वॉल्स का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. जब वो डिक्रीज हो जाएगा मोर ब्लड फ्लोस टूवर्ड्स द हार्ट. And this results with heart pumping ability. When the heart pumping ability decreases to 40-50% of the normal, this cause increase in the venous return, and this venous return often compensates to near normal cardiac output. जो है वो near normal compensate हो जाता है और near normal cardiac output होता है जब तक के person जो है, जब तक patient जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होगा. विद फर्दर रिडक्शन इन अगर ट्रीट नहीं करते और फर्दर रिडक्शन है हार्ट पंपिंग एबिलिटी में, ब्लड फ्लो जो किडनीज को डिक्रीज कर जाएगा और फर्दर इट बिकम्स टू लो. जब ये बहुत कम हो जाएगा तो किडनीज आर अनएबल टू एक्सक्रीट सॉल्ट एंड वाटर एंड
सॉल्ट एंड वाटर जो हम ओरली ले रहे हैं, जो पेशेंट उस वक्त ओरली ले रहा है, वो एक तरफ किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही, दूसरी तरफ से और वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेन हो रहा है, दूसरी तरफ से पेशेंट जो है उसका सॉल्ट एंड वाटर इनटेक ज़्यादा है, नॉर्मल है लेकिन वो भी रिटेन हो रहा है. सो ऑल टुगेदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ नॉट रीएब्जॉर्प्शन it is an salt and water is not excreted by the kidneys and additional intake of the salt and water is going to result in its retention or will go on it ke uske baad kya hota hai. This continues indefinitely. ye jo circle hai ye chalta rehta hai indefinitely unless ke hum us patient ko treat kare. Also, this additional excess fluid is not helpful as heart. अब जो थोड़ा initially fluid collect हुआ है जो कि right atrium में गया, right atrial pressure increase किया, वो तो helpful है. लेकिन अगर fluid जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, ये additional fluid जो है it is not helpful as heart. क्योंकि heart जो है वो अपना maximum already पहले से ही maximum पंप कर रहा है और ये एडिशनल जो है फ्लूइड रिटेंशन जो है इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट बल्कि इन फैक्ट इट इज हार्मफुल टू द हार्ट. इंस्टेड इंक्रीज क्योंकि हार्मफुल इसलिए कि ये हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज कर देगा एंड विच इज हार्मफुल एंड इट लीड्स टू अगर ट्रीट नहीं करेंगे इट लीड्स टू death of the person. Now detrimental effects of excess fluid retention in severe cardiac failure, that is harmful effects of excess fluid retention jo hota hai in severe cardiac failure. In severe cardiac failure mein bahut zyada jab fluid retain ho jata hai it ये रिजल्ट करेगा सीरियस फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में. और ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? दे आर इंक्रीजिंग वर्कलोड ऑन द डैमेज्ड हार्ट. इन और जब हार्ट में ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा वो हार्ट को ओवर उसके मसल्स को ओवर स्ट्रेच कर देगा एंड दिस फर्दर वीकन्स द हार्ट. अदर थिंग इज फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड जो होगी इन द लंग्स. पल्मोनरी जो लंग्स में फ्लूइड क्या है वो लंग्स में जमा हो जाएगा, पल्मोनरी ओडीमा डेवलप हो जाएगा. जब पल्मोनरी ओडीमा डेवलप होगा तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं होगी क्योंकि स्पेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड एंड देयर इज नो ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्लड इज नॉट बीइंग ऑक्सीजनेटेड. फोर्थली डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंसिव ओडीमा होता है, बहुत ज़्यादा ओडीमा होता है और लंग्स के अलावा पल्मोनरी ओडीमा के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में भी ओडीमा होता है. रिकवरी ऑफ हार्ट आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. द डिग्री ऑफ रिकवरी डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ कार्डियक डैमेज. कितना किस किस्म का अक्यूट है, क्रॉनिक है, उस पर डिपेंड करती है रिकवरी. और कितना हार्ट मसल कितना डैमेज हुआ है, थोड़ा डैमेज हुआ है तो रिकवरी जल्दी होगी और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी. अगर ज़्यादा मसल डैमेज हुआ है और जो है देर माइट बी नो रिकवरी एट ऑल. और जैसे कि मैंने पहले अगर कम है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी विल रिजल्ट. आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन द हार्ट ऑर्डिनरली रिकवर्स रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स एंड अचीव मैक्सिमम फाइनल रिकवरी विद 5 to 7 weeks. एंड 5 to 7 weeks में मैक्सिमम रिकवरी होगी और उसके बाद जो रिकवरी माइल्ड रिकवरी कंटिन्यू रहेगी फॉर मंथ्स. नेचुरल हेल्पिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी के जो है वो भी कार्डियक नॉर्मल कार्डियक फंक्शंस रिस्टोर करते हैं. और दीज आर न्यू कोलैटरल ब्लड सप्लाई बिगिंस टू पेनिट्रेट पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया ऑफ द मायोकार्डियम.
रिजल्टिंग इन फ्रिंज एरिया बिकम्स फंक्शनल, मतलब कि जो जहाँ पे इन्फार्क्शन हुआ है जिस पार्ट में हार्ट मसल में, उसके गिर जो मसल है उसमें नई ब्लड वेसल्स बनेंगी, और वो जो ब्लड वेसल्स है अब उनके थ्रू ब्लड जो है वो उस मसल को, जो डेड पार्ट है वो तो डेड हो गया, इट्स नॉट गोइंग टू रिकवर, लेकिन उसके इर्द गिर्द का फर्दर डैमेज होने से बच जाता है, क्योंकि ये कोलेट्रल ब्लड वेसल्स जो है ये डेवलप हो जाती हैं। दूसरा मैकेनिज्म वजह जो है जिसकी वजह से ये कार्डियक डैमेज डिक्रीज होता है, जो अनडैमेज हार्ट मसल है वो हाइपरट्रोफी कर जाता है, वो इंक्रीज इन साइज हो जाता है। जब इंक्रीज इन साइज होगा तो उसकी ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होगी और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और जब इस वजह से कार्डिक डैमेज जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज वॉट एवर हैज बीन डैमेज is damaged, but it's going to prevent further damage. Cardiac output curve after partial recovery. By this time, जो मैंने आपको cardiac उसका curve दिखाया था, by this time, considerable fluid is retained in the body, increased tendency of the venous return, results in increased venous return, or this increased venous return increases right atrial pressure further, from it goes from point C to point D. Jab cardiac output jo hai wo 5 liters ho jayega and atrial right atrial pressure jo hai wo 6 millimeters of mercury hoga. Here we can see, yeah, this is the graph D. इसमें फर्दर इंक्रीज होगा, राइट कार्डियक आउटपुट इज नाउ ऑलमोस्ट 5 liters पर मिनट एंड राइट एट्रियल प्रेशर इज प्लस 6 millimeters ऑफ मर्करी. सो As cardiac output is now 5 liters per minute, which is normal. So when cardiac output is normal, it is going to result in renal output of fluid, blood flow to the kidneys. So renal output of the fluid returns to normal. So there is no further retention because now salt and water is being excreted. And there is no further fluid retention, except जो के fluid further fluid retention नहीं होगी, लेकिन जो fluid retention already हो चुका है, sorry. जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इट विल बी देयर, वो नहीं ख़त्म होगा लेकिन फर्दर फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगी. सो एक्सेप्ट फॉर अब एट दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट ग्राफ डी, पॉइंट ग्राफ पॉइंट ऑन पॉइंट डी ऑन ग्राफ, इस पॉइंट पे कार्डियक आउटपुट इज 5 liters पर मिनट, विच इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. That results in more blood flow to normal blood flow to the kidneys. That results in more fluid returns. That results in more excretion of sodium and water. So no further retention of the fluid except for what was originally there. So except for so यहाँ पे हम ये देखते हैं fluid cardiac output तो return has returned back to its normal level, that is 5 liters per minute. Lekin right atrial pressure jo hai, it increases from point C jo humne dekha tha, jahan pe right atrial pressure 5 millimeters of mercury tha, lekin point D pe right atrial pressure jo hai,
वो 6 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी हो जाता है. अदरवाइज द कार्डियक डायनामिक्स आर नॉर्मल. बट ऑल दीज कंडीशंस अगर आर प्रेजेंट ओनली एट रेस्ट विद सिग्निफिकेंट हार्ट रिकवरी एंड एडिक्वेट फ्लूइड रिटेन्ड, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, जब सिग्निफिकेंट हार्ट रिकवरी हो जाती है और एडिक्वेट फ्लूइड रिटेन हो जाता है, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और इट गोज बैक स्लोली बैक टू नॉर्मल एंड और इट कॉजेज पेशेंट recovers partially recover heart beat, results in partially recovered heart recovery, and this can elevate cardiac output curve. Although heart recovers slightly, but there is gradual disappearance of heart recovery. Slow hai lekin there is, because sympathetic stimulation का इफेक्ट जो है वो स्लोली ख़त्म हो गया है और उसकी वजह से जो हार्ट रेट इंक्रीज कर गया था ड्यू टू सिंपथेटिक स्टिमुलेशन और ड्यू टू सिंपथेटिक स्टिमुलेशन पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से पेलनेस हो जाती है, वो सब बहुत रैपिडली ख़त्म हो जाते हैं. Summary of the changes that occur after cardiac failure, and this is compensated heart failure. Stages of acute moderate heart failure are number one, instantaneous effect of the cardiac damage hoga. Number one stage mein, second stage mein compensation hoti hai of this failure by sympathetic stimulation of sympathetic nervous system, और ये stimulation अकर होती है, initiate हो जाती है within 30 seconds से 1 मिनट के अंदर अंदर जब heart muscle damage होता है. Thirdly, chronic compensation results from partial heart recovery and renal retention of fluid back to its normal, which can be seen by the black dotted lines. Here we can see these are the runs. This goes down and then this is soon after the damage with sympathetic stimulation, cardiac output increases. With further sympathetic stimulation, it goes up to almost to normal. That is to normal, we must say. That is 5 liters per minute. And except for that, right atrial pressure rises from 5 to 6 millimeters of mercury. So in graph, we can see that point A is normal state of circulation. Point B after heart attack, just before sympathetic stimulation. Point C, increase in cardiac output returns to normal, and this is returning to the normal, towards normal, and that is 4.2 liters per minute, and this is caused by sympathetic stimulation. Point D, the cardiac output returns to almost normal level, normal output after several days to several weeks. नॉर्मल लेवल पे पहुंचने के लिए इट टेक्स सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स ऑफ पार्शियल कार्डियक रिकवरी एंड पार्शियल एंड फ्लूइड रिटेंशन, एंड दिस स्टेज इज नोन एज कॉम्पेंसेट हो गया है फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम द इफेक्ट्स विच अकर्ड सून आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड इट इज नोन एज कॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर. Point D also shows that maximum pumping ability, जो maximum point ये भी दिखाता है कि maximum pumping ability or partially recovered heart is still to less than half of the normal. That is, increase in right atrial pressure can maintain cardiac output at a normal level despite continued weakness of the heart muscle. Many
or especially old patients, though have normal resting cardiac output, but have mild to moderate elevated right atrial pressure, जो कि हमने अभी कहा, because of various degree of the compensated heart, जो है इन लोगों में various degrees का होता है, कुछ completely compensate हो जाता है, कुछ कम होता है, so it depends upon the degree of the compensated heart. Patients with compensated heart, if they are going to perform heavy work, heavy or heavy exercises, symptoms जो हैं फौरन वापस आ जाते हैं acute heart failure के, because heart जो है is incapable to pump more than its capacity, उसके वो already maximum अपनी capacity के मुताबिक maximum pump कर रहा है, और exercise में ज़्यादा capacity चाहिए, ज़्यादा ही उसके contractility चाहिए, so जो है वो उस वो ना होने की वजह से जो symptoms हैं वापस आ जाते हैं. ये जो pumping capacity है रिजर्व, इसको रिजर्व कार्डिक रिजर्व हम कहते हैं, एंड जो कार्डिक रिजर्व जो होता है, जो हम नॉर्मली एक्सरसाइज में ज़्यादा हार्ट जो है स्ट्रॉन्गली पंप करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट करता है, नॉर्मल हार्ट में कार्डिक रिजर्व ज़्यादा होता है, ये कॉम्पेंसेटेड हार्ट में कम हो जाता है. डायनेमिक्स ऑफ फेयर कार्डिक फेलियर, that is decompensated heart. पहले हमने पढ़ा था compensated heart, जो compensate कर जाता है, जो life के साथ चलता है, लेकिन decompensated heart जो होता है, that is severely damaged heart, जो किसी भी treatment के साथ compensate नहीं करता, और it is going to ultimately going to result in death of the patient. क्या होता है कि सीवियरली डैमेज हार्ट जो है, देर इज़ नो कॉम्पनसेशन इवन विद सिंपथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस या फ्लूइड रिटेंशन, कैन मेक वीकेंड हार्ट टू कांट मेक दिस वीकेंड हार्ट टू पंप नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट. सो कार्डियो आउटपुट डज नॉट राइज हाई इनफ टू मेक द किडनीज टू, कार्डियक आउटपुट हाई नहीं होगा इस वजह से, और किडनीज को ब्लड फ्लो कम जाएगा, सो किडनीज आर अनएबल टू एक्सक्रीट नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट. दिस रिजल्ट्स इन फ्लूइड रिटेंशन, एंड दिस फ्लूइड रिटेंशन रिजल्ट्स इन ग्रेटली इंक्रीज्ड ओडीमा बोथ ऑफ द पेरिफेरल बॉडी एंड ऑफ द लंग्स, which is known as pulmonary edema, and this state is known as decompensated heart failure or decompensated cardiac failure. So major reason for the condition is failure of the heart to pump sufficient blood to make kidneys to excrete necessary amount of fluid per day. Graphical analysis of decompensated heart, we can see, let me see where it is. Just keep in mind, I'm just showing you the graph. This is the graph, and this is critical cardiac output level in for normal fluid balance. So we can point A, B, C, D, E. A may cardiac output is less than to about 2.5 liters. B, C, D may, though it increases, but it is not enough. But again, and arterial right atrial pressure in all this condition rises, and at point F, because decompensation is so much that even in spite of all the treatment, cardiac muscle does not recover, and there is further decrease in cardiac output, and less than 2 liters per minute, and an increase in right atrial pressure up to 16 millimeters of mercury. So going back, let's see what we were doing.
Now, this graphical analysis, point 8 shows the approximate state of circulation before any compensation. That's point B, few minutes later after sympathetic stimulation depths has compensated as much as it can before fluid retention. At this time, cardiac output increases to 4 liters per minute. And right atrial pressure rises to 5 millimeters of mercury. That we can see on there is a straight line on top of the graph that shows that 5 millimeter before compensation, decompensation, the pressure should be cardiac output should be 5 liters per minute, and atrial pressure rises to after sympathetic stimulation. Cardiac output rises, and simultaneously right atrial pressure rises to 5 millimeters of mercury. Person now seems to be in a reasonably good condition, kyunki 4.5 cardiac output ho gaya, pressure is 5 millimeters, right atrial pressure is 5 millimeters of mercury, so the person is in good condition. But this the condition, because damage is great, the condition is unstable because cardiac output is not enough to excrete enough fluid by the kidneys, which results in more fluid retention. This more fluid retention increases mean systemic filling pressure, which continues to increase, and that results from this increase results from blood from the peripheral veins going to the right atrium, and finally resulting in increase of the right atrial pressure. After 1 day or so, ek din ke baad aur uske ya kuch is tarah se 1.5 din ke baad, point C is the point. At point C, right atrial pressure jo hai further rises to 7 millimeters of mercury, and cardiac output is 4.2 liters per minute. Cardiac output is still not high enough to cause normal renal output of the fluid, so more fluid retention results. At point C, that is after a day or so of the right atrial pressure, the right atrial pressure you have, it rises to 9 millimeters of mercury. Cardiac output is still not high enough to maintain normal fluid balance, so it reaches point E, that is another few days of fluid retention. This fluid further results in further increase. Cardiac output to increase nahi hoga, maximum jo cardiac output ne increase hona tha, because the cardiac muscle strength is not so much that it is going to result in increased contractility and increased heart cardiac output. But further there is further increase in right atrial pressure. Cardiac function declines towards lower level. Secondly, or decline is caused because of decline kyun hoti hai, overstretching of the cardiac muscles hoti hai, aur cardiac muscle ke edema ki wajah se hoti hai. पूरी स्ट्रेच हो चुका है मसल, उससे वो ज़्यादा और स्ट्रेच हो नहीं सकता है इसलिए. और दूसरा, कार्डियक मसल का जो ओडीमा हो जाता है, और इट इज़ अनएबल टू स्ट्रेच मोर और कॉन्ट्रैक्ट मोर. देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो. ऑल दीज फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स जो हैं हार्ट पंपिंग के फंक्शन को डिक्रीज करेंगे. जब हार्ट फंक्शन पंपिंग फंक्शन डिक्रीज होगा, ये फर्दर फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज करेगा. दिस फर्दर फ्लूइड रिटेंशन जो है ये हार्मफुल है फॉर द पेशेंट. कार्डियक आउटपुट इज स्टिल नॉट हाई एनफ फॉर द नॉर्मल रीनल फंक्शन, एंड दिस रिजल्ट्स इन कार्डियक आउटपुट इतना नहीं है. ब्लड फ्लो टू द किडनी इज नॉट एनफ, सो water and salt is not being excreted, so this results in more fluid, zyada fluid retention mein result karta hai, aur ye accelerate increase ho jata hai because of
फॉलिंग कार्डियक आउटपुट, दिस फ्लूइड रिटेंशन जो है ये इंक्रीज होती जाती है, ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है क्योंकि कार्डियक आउटपुट फॉल हो रहा है और आर्टीरियल प्रेशर जो है वो फॉल हो रहा है. अब पॉइंट सी एफ जो है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, नाउ स्टेट इज एफ इज ए स्टेट ऑफ सर्कुलेशन, इसमें कार्डियक आउटपुट बहुत डिक्रीज हो गया है. फ्रॉम 4.5 इट डिक्रीजेस टू 2.5 लीटर्स पर मिनट. और ये आर्टीरियल प्रेशर जो है डिक्रीज टू 16 मिली एट्रियल प्रेशर टू 16 राइजेस टू 16 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. दिस इज अ स्टेट ऑफ इनकॉम्पैटिबल. अब ये वो स्टेट आ गई है कि इट इज नॉट कॉम्पैटिबल विद द लाइफ and death is the ultimate result. Unless ke ye change jo hai, sequence jo hai, ye isko hum reverse kare, aur this is by strong treatment or effective strong treatment. This state of continuous heart failure is known as decompensated heart failure. Ab analysis kya hai? Failure of the cardiac output and arterial pressure results to rise to the critical levels. Failure of cardiac output to rise to the critical level of 5 liters per minute for the normal renal function results if फेलियर कार्डिक आउटपुट और आर्टेरियल प्रेशर का नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल फेल चूंकि नहीं हो रहा, फेल हो रहा है, ये नॉर्मल रीनल फंक्शन पे क्या इफेक्ट करेगा. नंबर वन, ये आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस ग्राफ, इट विल रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव रिटेंशन ऑफ द मोर एंड मोर फ्लूइड्स. सेकेंडली प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. Thirdly, progressive rise in right atrial pressure, which results in heart overstretch and edema of the heart. So these two things, overstretching of the heart muscle and edema of the heart muscle, jo hai, ye heart iski wajah se is not able to pump even moderate. इतना वो वीक हो गया और इतना ओवर स्ट्रेच हो गया कि इट इज़ नॉट एबल टू पंप इवन मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड, एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर. इट इज क्लिनिकली डायग्नोज कंजेस्टिव डीकॉम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर. हम कैसे क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं? वन इज प्रोग्रेसिव जर्नलाइज्ड ओडीमिया, सेकेंड इज सारे जर्नलाइज्ड ओडीमा होगा, पल्मोनरी ओडीमा होगा. पल्मोनरी ओडीमा जो है इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन इट्स गोइंग टू कॉज, अगर हम स्टेप्स सुने, बबलिंग रेल्स, और इट्स गोइंग टू कॉज डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड फाइनली डेथ इफ नॉट ट्रीटेड इन इमरजेंसी एंड एनर्जेटिकली. Treatment of decompensation is number one, cardiotonic drugs. Cardiotonic जो cardiac heart के लिए tonic होगा, cardiotonic drugs जो हैं उनमें top on the top of the list is digitalis. Digitalis क्या करता है? Strengthens the heart muscle, so the heart becomes strong enough to pump sufficient amount. वो इतना strong हो जाता है कि required amount, sufficient amount of blood जो है वो pump out करता है, cardiac output sufficient होता है, और for the goes to for the kidneys. और जब sufficient amount of blood kidneys को जाएगा तो kidneys are going to function normally. दूसरी drugs जो हैं diuretic drugs होती हैं. diuretic drugs वो होती हैं जो urinary excretion या fluid excretion करती हैं किडनी से. थर्डली सॉल्ट और वाटर इनटेक. हमको सॉल्ट और कार्डिक पेशेंट्स जो होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनमें सॉल्ट और वाटर जो है उसका इनटेक, उसका लेना कम कर. सॉल्ट एंड वाटर गोइंग इन, सो इट इज गोइंग टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन
intake and output in spite of low cardiac output. Both this method stops decompensation. ये दोनों methods जो हैं drugs plus less decreased intake of salt and water is going to stop decompensation of the heart by re-establishing normal fluid balance, that is intake is equal to output. Mechanism of action of cardiotonic drugs such as digitalis in healthy heart mein digitalis ka kya to bahut hi thoda effect hota hai ya bilkul koi effect nahi hota hai heart contractility mein, lekin failing myocardium mein it increases the contractility, heart contractility jo hai ye 50 to 100% increase karta hai. Digitalis is one of the main drug in this chronic heart failure. Digitalis and other glycosides strengthen the heart contraction by, number one, increases the quantity of calcium ions in the cardiac muscle due to inhibition of the sodium, potassium, adenosine triphosphate in the cardiac cell membrane. This inhibition of sodium potassium increases intracellular sodium concentration, so that results in slow sodium calcium exchange pump. Substitutes takes out the calcium in exchange of sodium from the cells. So calcium, sodium accumulates inside the cells and reduces its activity. Now, sarcoplasmic reticulum of the failing heart does not accumulate nahi karta, it has the normal amount of calcium but ye accumulate nahi karta, so cannot release. Is condition mein ye cannot release enough calcium in free fluid compartment of the muscle fiber to cause full contraction of the heart. Ab digitalis kya karta hai in this condition, in cardiac failure, it depresses the sodium calcium exchange pump, which results in increased calcium ion concentration in the cardiac muscle. This extra calcium in the cardiac muscle results in increase of muscle force of cardiac muscle. Unilateral heart failure hota hai, this is that was a generalized condition, heart failure. अब हम अलहदा देखेंगे यूनिलैटरल लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, और दोनों इकट्ठे हो सकते हैं और अलहदा हो सकते हैं. सो अभी हम जो देखेंगे दैट इज यूनिलैटरल, सिर्फ लेफ्ट हार्ट फेलियर. इन अर्ली अक्यूट हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड फेलियर प्रीडोमिनेट्स ओवर द राइट हार्ट साइडेड हार्ट फेलियर. In blood which is continuously being pumped into the lungs but not pumped adequately out of the lungs, that is it does because of left heart condition, it is not being received by the left heart, so there is increase in the systemic circulation. This rises in causes rise in the pulmonary mean pulmonary filling pressure. Increased pulmonary blood volume results in increased pulmonary capillary pressure. जो है increased pulmonary blood volume जो है वो increased pulmonary capillary pressure करेगा. And if pulmonary capillary pressure is above colloidal osmotic pressure of plasma, जो कि 28 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है, इट रिजल्ट्स इन फ्लूइड फिल्टर्स जो होता है, फिर वो कैपिलरीज में फ्लूइड जो फिल्टर आउट हो जाता है इनटू द लंग्स. इंटरस्पेशियल स्पेसेस आर लंग एल्वियो ऑफ द लंग्स एंड दिस रिजल्ट्स इन पल्मोनरी ओडीमा. सो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर इज नंबर वन पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन होगी और पल्मोनरी ओडीमा होगा. इन सीवियर एक्यूट हार्ट फेलियर पल्मोनरी ओडीमा अकर्स
so rapidly that the death occurs within 20 to 30 minutes. And this ये death जो है severe acute heart failure में pulmonary edema होगा. Pulmonary edema इतनी तेजी से होता है कि it results in death of the patient, और death जो है वो suffocation की वजह से होती है, और death जो है वो 20 to 30 minutes के अंदर अंदर हो जाती है. Low cardiac output failure. Other is one was unilateral left heart failure. Now we have low output cardiac failure, that is cardiogenic shock. After acute heart attack and prolonged slow progressive cardiac deterioration, जब heart attack, acute heart attack के बाद prolonged slow deterioration हो रही है, deteriorate हो रहा है heart, it results the heart of incapable of pumping even minimal amount of blood to keep the body alive. At the end, इतना भी heart इतना भी blood pump नहीं कर सकता weakness की वजह से, कि blood body कम blood की वजह ना होने की वजह से lack of oxygen, it is going to die. Body tissue suffer, which results in deterioration, further deterioration, and this results in death within few hours to few days. Now, cardiovascular system suffers because of nutritional lack, which results in deterioration of the cardiac system and ultimately results in death of the patient. Circulatory shock syndrome caused by inadequate cardiac pump is known as cardiogenic shock or cardiac shock. Once cardiogenic shock develops, survival rate is less than. Ek dafa cardiogenic shock develop ho gaya, that is low cardiac output, raised right atrial pressure, then there is no reversal, or survival rate jo hai wo bahut kam ho jata hai. It is less than 30% even with the best treatment. अब ये विशियस ये जो कार्डियक शॉक है, इसमें विशियस साइकिल डेवलप होती है, विशियस साइकिल ऑफ कार्डियक डिटीरियोरेशन इन कार्डियोजेनिक शॉक. ये होता है विथ रिड्यूस्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो सप्लाई टू द कार्डियक मसल इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग शॉक. दिस रिजल्ट्स, एक तो डैमेज हार्ट मसल वैसे डैमेज है, अब कॉर्नरी ब्लड फ्लो टू द मसल जो है वो भी रिड्यूस हो गया है, हार्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली ज़्यादा डैमेज होता जाएगा. दैट इज लो आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग शॉक रिजल्ट्स इन मोर रिड्यूस्ड कॉर्ड. अब आर्टीरियल प्रेशर कम है, शॉक में कम हो जाता है, वो जो है कॉर्नरी ब्लड सप्लाई डिक्रीज करता है. कॉर्नरी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो वो फर्दर हार्ट मसल को वीक करेगा, जब हार्ट मसल फर्दर वीक होगा तो कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो है फर्दर फॉल करेगा, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर फॉल करेगा. आर्टीरियल प्रेशर फॉल करेगा तो ब्लड टू द कॉर्नरी वेसल्स एंड टू द हार्ट भी डिक्रीज करेंगी, और ये सर्कल इस तरह से चलता रहेगा, रिजल्टिंग इन कार्डियक डिटीरियोरेशन. This problem is further added up if coronary vessel जो पहले से block हो. एक तो heart damage जब होता है उसकी वजह से coronary blood vessels जो है coronary vessels उनमें blood कम जाता है और वो heart muscle को damage करते हैं. लेकिन already अगर पहले blockage है किसी वजह ये coronary vessels में, ये further जो है वो डिटीरियोरेट करेगा, और जल्दी डिटीरियोरेट करेगा हार्ट को. हेल्दी हार्ट डिटीरियोरेट्स इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन व्हेन इट्स आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स
बिलो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हेल्दी हार्ट में होता है तो इट डिटीरियरेट्स द मायोकार्डियल डिटीरियोरेट्स द हार्ट. जब उसका आर्टीरियल प्रेशर जो है इट फॉल्स बिलो 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, हियर एज हार्ट ऑलरेडी हैविंग कॉर्नरी, जिसमें वो हार्ट जिसमें पहले से कॉर्नरी ब्लॉकेज है, डिटीरियोरेशन जो है हार्ट की स्टार्ट हो जाती है एट आर्टीरियल प्रेशर. जब आर्टीरियल प्रेशर जो है 80 to 90 मिलीमीटर्स तक फॉल कर जाता है. Even small decrease in arterial pressure can set off vicious cycle of the cardiac deterioration. So one should prevent even short periods of hypotension.